ऋषिकेश में दिवाली के मौके पर पटाखों की अस्थायी दुकानों को लेकर संशय बना हुआ है। एसडीएम स्मिता परमार और सीईओ संदीप नेगी ने व्यापारियों के साथ बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। व्यापारियों ने हर साल की तरह दुकान लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन एसडीएम ने सुरक्षा कारणों से इसे शहर से बाहर लगाने पर जोर दिया, जिसका व्यापारियों ने एतराज जताया। पटाखा दुकानों के लाइसेंस निर्गत करने के लिए भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो उसके संबंध में भी वार्ता हुई है हमारी व्यापार संघ से। तो ये तीन चार मुद्दे थे जिनके संबंध में हमने डिस्कशन किया। क्या निर्देश होंगे वो अभी हम पिछले मतलब इससे पहले क्या व्यवस्था रही है ऋषिकेश में उसको भी हम पुलिस के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और मतलब सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए फिर एक उसमें एक निर्णय लिया जाएगा। हाँ, इसमें जो बेसिक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स होती है कहीं भी पटाखा दुकान लगाने के लिए, वो तो हमने उनको कहा ही है कि पर्याप्त पानी की व्यवस्था, रेत की व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो सब अपने दुकान के पास वो रखेंगे। के थाना ट्रांजिट सिटी क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर षड्यंत्र बनाकर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे सुधीर और उसके दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी में इंडोर फील्ड आर्चरी एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश और बाराबंकी के सहयोग से 27 अक्टूबर से स्टेट इंडोर फील्ड आर्चरी कंपटीशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 जिलों की टीमें भाग लेंगी और विजेताओं का चयन नेशनल कंपटीशन के लिए किया जाएगा। इस बार 9 स्पॉट इवेंट शामिल किए गए हैं जो मुख्य आकर्षण होंगे। बाराबंकी में वन विभाग की टीम ने 6 फीट लंबी डॉल्फिन का रेस्क्यू किया, जो कई दिनों से शारदा नहर में घूम रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और डॉल्फिन को सुरक्षित रूप से घाघरा नदी में छोड़ दिया। बिजनौर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान गौकशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही के बाएं बाजू में गोली लग गई। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर दो आरोपी फरार हो गए। आरोपी से एक अवैध तमंचा और गौकशी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि भाभी ने अपने प्रेमी से ननंद का रेप करवाया और इस घिनौनी वारदात का वीडियो रिकॉर्ड किया और वायरल कर दिया। इसके बाद किशोरी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने पिता की तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के फतेहपुर जिले के पटेल नगर चौराहे पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन के नेतृत्व में सद्भावना अखंड सरदार पटेल विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए विशाल रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिजनौर के प्रदर्शनी मैदान में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। महापंचायत को संबोधित करने के लिए भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए किसानों की मौजूदा समस्याओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। हरदोई में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप की मां को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि करहल सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। पाल ने सपा को संविधान की रक्षा के लिए लड़ने वाला बताया और मिल्कीपुर में चुनाव न कराने की बीजेपी की कोशिशों की आलोचना की। बहराइच दंगों को सरकार की नाकामी करार दिया। मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य में चीता पुनर्स्थापना योजना के तहत 28 चीतल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए और अभयारण्य में छोड़े गए। अब तक कुल 434 चीतल यहां छोड़े जा चुके हैं, जिससे पार्क प्रबंध उत्साहित है। शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या बढ़ाने के लिए 1250 चीतल स्थानांतरित किए जाएंगे। उत्तरकाशी में हिंदू संगठन ने मस्जिद हटाने के लिए जन आक्रोश रैली निकाली, लेकिन जिला प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इससे आक्रोशित लोगों ने धरना दिया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और जिलाधिकारी ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी के पीलीभीत जनपद में बीती रात दलित महिला की दबंगों ने पिटाई से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले में कार्रवाई करने में जुट गई है। घटना पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित हबीबगंज गौटिया की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महाराजगंज दौरे पर रहेंगे, जहां वो 550 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं और स्थानीय लोगों में उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के बागी गांव में नया उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये 3 दिवसीय उत्सव क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विकास में मदद करेगा। साहसिक खेल गतिविधियां जैसे अंगलिंग, राफ्टिंग और ट्रैकिंग के आयोजन से क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार में पुलिस ने नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 80 लीटर कच्ची शराब और 400 लीटर अल्कोहलिक केमिकल बरामद किया गया। एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ, जो यूट्यूब से नकली शराब बनाना सीख रहा था। पुलिस ने दादूपुर में छापेमारी कर ये कार्रवाई की, जबकि अन्य साथी उसका फरार हो गया। आरोपी दिवाली के मौके पर बड़े पैमाने पर नकली शराब बेचने की योजना बना रहा था।